छत्तीसगढ़ में ब्रेक के बाद एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया है। कल मॉनसून की गतिविधि तेज हुई और पेंड्रा समेत प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटे में मॉनसून पूरे छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य छत्तीसगढ़ को कवर करने के बाद मॉनसून उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आज बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई जिलों में बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में आपको मॉनसून थोड़ा उतर की ओर बढ़ा है। जैसा आप देख रहे हैं तो पेंड्रा और हमारा कोरबा और रायगढ़ का कुछ हिस्सों तक प्रोपगेट हुआ है मॉनसून जो है, और पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा हुई थी और छह स्टेशन पे आपको भारी वर्षा भी देखने के लिए मिला है और अगला 24 घंटों में भी एक दो स्थानों पर भारी वर्षा, मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिन में थोड़ा वर्षा के गतिविधि में कमी होने का संभावना है और 26 से ये वर्षा का गतिविधि जो है वो थोड़ा बढ़ने की और भारी वर्षा की संभावना जो है वो 26 से बढ़ने की चांसेस है।